दिन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लास्ट एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में हम डेली टॉप 20 करंट अफेयर करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के टॉप 20 करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लेवल को देखते हुए बनाए गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों चाहने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी आपके भाई की वीडियो है। तो उसी तरह आप अपने भाई की वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करवाइए दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को प्रॉफिट पहुँचाइए। तो अगर वीडियो को अभी आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए और चलते हैं वीडियो में आगे। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए, पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या है, जो भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, तो चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्वाइट की ओर। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट है दोस्तों आपके लिए, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो दोस्तों, आप इस मोटिवेशनल क्वाइट से क्या सीखते हो कि दोस्तों, कोई भी काम हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, किसी भी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर टालना या किस्मत के ऊपर टालना या कुछ भी उसके बारे में बोलना, बहाना लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई भी ये कर सकता है। लेकिन अगर उसको, उसका सामना करने की हिम्मत जिसमें है, उसी को एग्जाम में तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा और एग्जाम फाइट करने का मौका मिलेगा। तो ओके दोस्तों, अगर आप उसका सामना करते हो, डट का सामना करते हो, तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त है और जिंदाबाद क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर प्रकाशित होने वाली पुस्तक किसने लिखी है? तो हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसको लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ओके, आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, जो कि सेकेंड हाइएस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड 2019 के लिए हैं। जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, उनको फर्स्ट स्थान इसमें मिला है अमीर व्यक्तियों में, जो कि विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों में हैं, और सेकंड नंबर पर बिल गेट्स का नाम आता है। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन हो जाते हैं? सत्य नडेला हो जाते हैं। इनकी बुक हिट रिप्रेस कई एग्जामों में पूछी हुई है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, हिट रिप्रेस इनकी सत्य नडेला की बुक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? एसएससी कितनी बड़ी बॉडी है आप खुद ही जानते हो, तो उनके अध्यक्ष को हमें याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उनका अध्यक्ष के बारे में अगर आप याद करते हो तो आपके लिए फायदा है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बी आर शर्मा जी को उनके अध्यक्ष, एसएससी अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर कैडर के 1984 बेस के आईएएस अधिकारी हैं, और इनको एसएससी के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति दी गई है, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पूछा गया है दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डबल ए आई के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों, अरविंद सिंह जी को बनाया गया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अरविंद सिंह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अरविंद सिंह भूलना नहीं है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले डबल ए आई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था, आप देख सकते हैं, 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी,
और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों सफदरगंज एयरपोर्ट दिल्ली में इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन की बात करें तो अरविंद सिंह, आपको अभी क्वेश्चन में बताया ही था मैंने। उसके अलावा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीएस बुल्लर एक्स ऑफिसर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पूछा गया है दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुखबीर सिंह संधू को। आपको इनका नाम याद रखना है, NHAI के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हो NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हो सुखबीर सिंह संधू को, जो कि NHAI का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको आगे पता चलेगा। तो आप देख सकते हो NHAI की स्थापना के बारे में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसकी बात करें तो ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे, तो विकास नेशनल हाईवे का विकास और मेंटेनेंस करने का काम करती है NHAI। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2019 जीता है? तो पूछा गया है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2019 का किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों ठाकुर अनूप सिंह ने। आप देख सकते हो ठाकुर अनूप सिंह जो कि मार्ज ERP लिमिटेड सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके CMD हैं ठाकुर अनूप सिंह। ओके, तो इन्होंने क्या काम किया है, MSME द्वारा प्रौद्योगिकी का असाधारण काम करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज में के प्रतिष्ठान के लिए इन्होंने काम किया है। ओके, तो व्यवसाय कैसे तेज किया जाए, ऐसे इसके लिए काफ़ी काम किया है इन्होंने MSME के द्वारा, अपने व्यवसाय में तेजी कैसे लाई जाए ऐसे काम किए इन्होंने। तो ठाकुर अनूप सिंह को आपको याद रखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है? तो नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन की आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने ऐसा काम किया है जो कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का काम किया है। आप देख सकते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में, ये क्या है, 8वीं क्लास तक पास फेल को प्रणाली को दोबारा लाने के लिए बोला है पश्चिम बंगाल ने। पहले क्या है, 8वीं क्लास तक कोई कितने ही नंबर आए एग्जाम में फेल नहीं किया जाता था, ये सभी राज्यों में लागू है प्रणाली। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल ने क्या किया है, इसको खत्म करने का ठान लिया है। तो पश्चिम बंगाल क्या करेगी, इस प्रणाली को खत्म करेगी इस बार, और 8वीं क्लास तक जो भी बच्चा जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसको पास किया जाएगा, जिसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे उसको फेल कर दिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल ने ऐसा काम किया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ममता बनर्जी जी आप देख सकते हो, और गवर्नर की बात करें तो धनखड़ साहब हैं, जगदीश धनखड़। उसके अलावा कैपिटल की बात करें तो कोलकाता है, और विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों विधानसभा की सीटें हैं 294, लोकसभा की हैं 42, और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों 16 राज्यसभा की सीटें हैं। ओके, यहाँ की रिवर की बात करें दोस्तों तो हुगली और तिस्ता आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और नेशनल पार्क की बात करें तो गुरुमाना नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क, दो ही आपको याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो वेस्ट बंगाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मेक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीती है? तो मेक्सिको ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो दोस्तों ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। आपसे अगर किसी भी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में पूछा जाए तो ज़्यादातर अगर तुक्का मारना है तो तुक्का भी मार सकते हो, लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं, जो कि अभी अक्टूबर में जीती है मेक्सिको ग्रैंड प्रिक्स, इसके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो तुरंत कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। एग्जाम में डायरेक्ट एजिटेड देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट, मर्सिडीज के हैं ये लुइस हैमिल्टन। आप देख सकते हैं 2019 में मेक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जीती है, और
छठा विश्व चैंपियनशिप जीत लिया इसी के साथ इन्होंने, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मोबाइल वॉलेट ने डिजिटल मिशन फिनटेक पुरस्कार जीता है? तो डिजिटल मिशन फिनटेक पुरस्कार किसने जीता है, किस मोबाइल वॉलेट कंपनी ने जीता है? तो ये जीता है भारत पे ने दोस्तों। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत पे ने जीता है इसको। तो आप देख सकते हो भारत पे ने इसको फिनटेक पुरस्कार को जीता है, 2018-19 का फिनटेक पुरस्कार है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश के साथ भागीदारी की है? तो मध्य प्रदेश के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस स्टेट ने भागीदारी की है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड ने ऐसा काम किया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश के साथ भागीदारी करने का, तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। ये वही बात है जो मैंने बताई अभी, नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, आपको यह याद रखना है 1 दिसंबर 1963 को ये स्टेट का दर्जा दिया गया था इसे। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नेपियू रियो है चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर की बात करें तो R.N. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों 60 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की एक और राज्यसभा की एक सीट है। ओके, और नेशनल पार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एटांगी नेशनल पार्क आप याद रख सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिवर की बात करें तो रिवर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दियांग दीकू रिवर है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो राफेल ग्रोसी को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? राफेल ग्रोसी को, इतना याद रखना है। आप देख सकते हो राफेल ग्रोसी का पिक। ओके, अर्जेंटीना के हैं ये राफेल ग्रोसी, राजनायक हैं। ओके, यूके या अमानो की जगह स्थान लेंगे, पहले यूके अमानो थे तो अब इनका स्थान लेंगे राफेल ग्रोसी। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन से इतना ध्यान रखना है। और IAEA की बात करें तो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। ओके, ऑस्ट्रिया है वियना, जो कि रहने योग्य देश सिटी के में सर्वश्रेष्ठ शीर पर स्थान रखा है वियना, वही है स्टेट ये। और 171 मेंबर है इसके। और फाउंडर की बात करें, इसके इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में, आपको यार ध्यान रखना है 1957 में इसकी स्थापना हुई थी IAEA की। तो ओके, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, शक्ति 2019 भारत और देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों? तो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है, ये फ्रांस के बीच है, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ओके, तो देख सकते हैं आप, शक्ति फ्रांसीसी सेना टुकड़ी और भारत के बीच यह हुआ है अभी 2019 में अक्टूबर में आयोजित किया गया है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में। ओके, राजस्थान में इसको आयोजन किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पहला लद्दाख साहित्य महोत्सव देश में शुरू किया गया है। तो पहला लद्दाख साहित्य महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है लेह पैलेस में, ये पहला है लद्दाख साहित्य महोत्सव। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। लेह पैलेस में इसको आयोजित किया गया है, तो आपको याद रखना है लेह पैलेस में। आप देख सकते हैं लेह पैलेस की पिक, और यह 3 दिवसीय लद्दाख महोत्सव था। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। लद्दाख के बारे में भी जान लेते हैं, लद्दाख को और लेह दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं अभी, यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं, तो दो डिस्ट्रिक्ट लद्दाख और लेह को बनाया गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो दोस्तों राधा कृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत तिब्बत चीना सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बारे में बात करें तो ITBP के बारे में बात करें तो 58वां स्थापना दिवस मनाया है इन्होंने। तो किस दिन मनाया है दोस्तों? ये मनाया है 24 अक्टूबर को। ओके, 24 अक्टूबर को 58वां स्थापना दिवस मनाया है। 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी ITBP की, तो आपको इतना ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर 2019 को 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है ITBP का, तो आपको इतना ध्यान रखना है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे पहले आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, ओके। और मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल की बात करें तो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है आईटीबीपी, ओके। तो एसएस देसवाल इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल एसएस देसवाल जी हैं, आपको इनका भी नाम याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आईटीबीपी के डीजी कौन बनाए हैं, तो एसएस देसवाल जी डीजी हैं आईटीबीपी के, आपको इतना ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में बात करें तो दोस्तों कर्नाटक की ज़्यादातर इसका विजेता रहता है, तो इस बार चौथी बार यह ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है, तो कर्नाटक से आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हो अभिमन्यु मिथुन और मयंक अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन किया है इसमें, इनकी फोटो देख सकते हो। मयंक अग्रवाल जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, वो विजय हजारे ट्रॉफी खेली है कर्नाटक की तरफ से, तो तमिलनाडु को हराया है, चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है, ओके, आपको इतना ध्यान रखना है। तो कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो बीएस येदुरप्पा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वजूभाई वाला जी यहाँ के राज्यपाल हैं। बेंगलोर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है, आप स्थिति देख सकते हो मैप में कर्नाटक की। उसके अलावा विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की सीटें हैं 225, और विधान परिषद भी है चूंकि यहाँ पर, तो विधान परिषद की सीटें हैं 75, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो दोस्तों पहले 8 कंपनियां महारत्न का दर्जा ले हुए थे, तो 8 कंपनियों को महारत्न कंपनियां घोषित किया हुआ था सरकार ने, तो अभी 2 और ऐड कर दिए हैं, तो इस प्रकार हमारी 10 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। तो ए और बी आंसर राइट हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ओके, दोनों कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया है। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है, ओके। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ये आती है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की? ओएनजीसी पेरेंट कंपनी है, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो सीईओ कौन है? मुकेश कुमार सुराना, आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है, मुकेश कुमार सुराना हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सीईओ हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2019 में भारत को डेस स्थान मिला है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो भारत को स्थान मिला है 63 में स्थान पर भारत को रखा गया है। भारत इसमें लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, ये कई एग्जामों में देखने को मिलेगी ये रैंकिंग, ओके। तो आप देख सकते हैं पिछले साल की रैंकिंग 77-14 पायदान का फायदा हुआ है भारत को इसमें, तो 63वां स्थान मिला है, इस बार आपको इतना ध्यान रखना है, ओके। आप सोच नहीं सकते 2014 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, तो 2014 की रैंकिंग की बात करूं तो दोस्तों 140वीं रैंक पर था इंडिया, अब 2019 में इसकी रैंकिंग हो गई है 63, लगातार ग्रोथ कर रहा है इस बिजनेस रैंकिंग में, तो आपको इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कादरी गोपालनाथ का निधन हुआ है, कादरी गोपालनाथ कौन थे? तो कादरी गोपालनाथ कौन थे दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटो में, सेक्सोफोनिस्ट थे ये, सेक्सोफोन एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाते थे, खूब जाने माने सेक्सोफोनिस्ट रहे हैं ये कादरी गोपालनाथ, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने भाइयों के पास चाहने वालों के पास पहुँचाइएगा, और आपने अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तम्बाकू और पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान राज्य ने दोस्तों ऐसा किया है, तम्बाकू और पान मसालों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अभी थोड़े दिन पहले वेस्ट बंगाल ने भी इस पर रोक लगा दी है, ओके। तो वेस्ट बंगाल भी आपको ध्यान रखना है, और राजस्थान ने भी ये तम्बाकू और पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं गांधी जयंती पर क्या क्या हुआ है। तो 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, तो 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, ओके। और 2 से 6 अक्टूबर तक मुंबई में गांधी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको, मुंबई में किया गया था गांधी फिल्म महोत्सव का।
ओके okay, और डीडी न्यूज ने और यूनेस्को ने साथ मिलकर क्या किया है, गांधी महात्मा लाइव्स बापू जिंदा है टीवी शो प्रसारित किया है। ओके okay, तो महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एलेक्सी लियोनोव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एलेक्सी लियोनोव कौन थे दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री थे, आपको याद नहीं होगा लेकिन ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ओके तो रूस की तरफ से गए थे, आप देख सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो, अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले अंतरिक्ष यात्री थे ये। 18 मार्च 1965 को अंतरिक्ष से बाहर निकले और 12 मिनट 9 सेकंड तक चहलकदमी की। ओके तो एलेक्सी लियोनोव से आपको ध्यान रखना है कि अभी इनका निधन हो गया हाल ही में, तो रसिया से थे। ओके तो और आज मैं आपके लिए अक्टूबर मंथ की किताबें भी लेकर आया हूं, तो दोस्तों अक्टूबर मंथ की किताबों के बारे में जान लेते हैं। ओके तो अक्टूबर मंथ में 6 किताबें पब्लिश हुई हैं, तो इनके बारे में भी, बुक एंड ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो पहली किताब है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अमेरिकन लेगेसी। ओके तो इसके राइटर कौन है दोस्तों, फकीर हसन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सारी की सारी। ब्रिजिटल नेशन जो कि आदि तो मैंने आपको इसमें करा दी है, ब्रिजिटल नेशन की बात करें तो कल ही कराई है, एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम जी ने इसको लिखा है ब्रिजिटल नेशन ने को। ओके और माइंड मास्टर की बात करें तो किसी माइंड मास्टर ने लिखी होगी दोस्तों इसको, तो विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के युवा ग्रैंड मास्टर है, पहले ग्रैंड मास्टर है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ बुक लिखी है इन्होंने, विश्वनाथन आनंद ने, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है और बुक का नाम ध्यान रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक एंड बियॉन्ड, ये वाली बहुत सिंपल याद करना, तो शास्त्री से शास्त्री याद रह जाएगा, संदीप शास्त्री ने इसको लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक को संदीप शास्त्री ने लिखा है। और पांचवें नंबर की किताब है द टेक विस्पर्स जो कि जसप्रीत बिंद्रा ने लिखी है, ये भी किताब मैंने आपको कराई है, द टेक्स विस्पर जसप्रीत बिंद्रा ने लिखी है। और कोहिनूर एक्सप्रेस की बात करें तो दोस्तों कोहिनूर एक्सप्रेस लिखी है रेंसिल डिसिल्वा ने। ओके तो आपको ये 6 बुक ध्यान रखनी है, आज के लिए इतना ही। ओके तो मिलेंगे कल इसी वीडियो में, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई की वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ओके तो कल मिलते हैं इसी वीडियो में अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज के साथ, कल मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज लेकर आने वाला हूँ, तो कल की वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो सभी वीडियो इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, टॉप 20 करंट अफेयर लेकर आता हूँ जो कि 6 क्लासों में आपके लगभग 100 से 120 तक हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो भरोसा कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। ओके तो मिलते हैं कल इसी वीडियो में, जय हिंद जय भारत।